नमस्ते, गुड गुड इवनिंग। आज हम अपने गुरु ने मास्टर डॉक्टर सेमिल हनीमान सर, टीचर्स और माता पिता के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले जो सेशन था कल, उसमें हमने समझा कि एक होम्योपैथ किस तरीके से अपने आप को अवेयर करके अपनी अपने पेशेंट को पहचानने में, पेशेंट को जानने में, उसकी इनर कोर को, उसकी इनर मोस्ट मैन को जानने में कैसे सहायक हो सकते हैं, वो हमने कल समझा। आज आगे बढ़ते हैं प्रिज्म नंबर 142। बट हाउ सम सिम्टम्स ऑफ द सिंपल मेडिसिन एम्प्लॉयड फॉर अ क्यूरेटिव पर्पज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड अमंगस्ट द सिम्टम्स ऑफ द ओरिजिनल मेलेरी इवन इन डिजीजेज, स्पेशली इन दोज ऑफ अ क्रॉनिक कैरेक्टर दैट यूजली रिमेन अनअल्टर्ड इज अ सब्जेक्ट ए पर्टेनिंग टू द हायर आर्ट ऑफ जजमेंट एंड मस्ट बी लेफ्ट एक्सक्लूसिवली टू मास्टर्स इन ऑब्जर्वेशन। लेकिन कैसे कुछ सिम्टम जो सिंपल मेडिसिन के होते हैं, जब हम उसको क्यूरेटिव पर्पोज के लिए वो एम्प्लॉय करते हैं, दवाई को पेशेंट को देते हैं, तो कैसे उसके जो ओरिजिनल मेलेरी से डिफरेंट सिम्टम्स भी मेडिसिन में होते हैं। सभी सिम्टम मेडिसिन के बीमारी में नहीं मिलते, कुछ ही सिम्टम मिलते हैं उसके दम पर हम दवाई को देते। तो जो बाकी के सिम्टम है उसको कैसे हम अलग कर सकते हैं, स्पेशली जब क्रॉनिक कैरेक्टर का जब केस होता है, तब जो सिम्टम होता है वो तो अनअल्टर रह जाते हैं, और दूसरे सिम्टम जिसको कहते हैं एसेसरी सिम्टम ऑफ द मेडिसिन, तो ये हमें हायर आर्ट ऑफ जजमेंट के लिए छोड़ देना, ये उसका सब्जेक्ट है। तो इसीलिए जो इस ऑब्जर्वेशन में जो मास्टर है उसी के लिए हमें एक्सक्लूसिवली इसको छोड़ देना है। फुट नोट आ रही है इसमें सिम्टम के बारे की, सिम्टम्स विच ड्यूरिंग द वॉल कोर्स ऑफ डिजीज माइट हैव बीन ऑब्जर्व ओनली अ लॉन्ग टाइम प्रीवियसली और नेवर बिफोर, कॉन्सिक्वेंटली न्यू वंस बिलोंगिंग टू द मेडिसिन। ऐसे सिम्टम जो बीमारी में काफी पहले जब बंदा बीमार था तो उसको दवाई प्रूव करने के लिए दी, तो उसको काफी पहले वो बीमारी हुई थी उसमें ये सिम्टम आए थे, उसके बाद कभी नहीं आए और उसके पहले भी कभी नहीं आए। तो ऐसे जो सिम्टम आते हैं उसको ये दवाई के सिम्टम के तरह लेना है, ये जो इसको नया सिम्टम बोलेंगे और ये दवाई का सिम्टम है ऐसा हम बोलेंगे। एफोरिज्म नंबर 143। इफ वी हैव दस टेस्टेड ऑन हेल्दी ह्यूमन हेल्दी इंडिविजुअल अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ सिंपल मेडिसिन एंड केयरफुली एंड फेथफुली रजिस्टर्ड ऑल द डिजीज एलिमेंट्स एंड सिम्टम्स दे आर केपेबल ऑफ डेवलपिंग एज आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूसर्स देन ओनली हैव वी अ ट्रू मटेरिया मेडिका। इस तरीके से हमने हेल्दी इंडिविजुअल को टेस्ट करते करते काफ़ी सारी दवाइयों की जानकारी ली, उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर को हमने जाना, तो ऐसे हम सच्ची मटेरिया मेडिका बना सकते हैं। अ कलेक्शन, मटेरिया मेडिका की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ रियल प्योर रिलायबल मोड्स ऑफ सिंपल एक्शन ऑफ सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस। अ वॉल्यूम ऑफ द बुक ऑफ नेचर वेयर इन इज रिकॉर्डेड अ कंसिडरेबल एरे ऑफ द पिक्यूलियर चेंजेस ऑफ द हेल्थ एंड सिम्टम्स एसर्टेन टू बिलोंग टू ईच ऑफ द पावरफुल मेडिसिन। यानी कि एक ऐसी कलेक्शन जो सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस है, यानी कि हमारी जो सब दवाइयाँ है वो सब सिंपल मेडिसिनल सब्सटेंसेस है, क्योंकि उसमें कोई मिश्रण नहीं है, कोई केमिकल केमिकल मिश्रण करके कोई दवाई नहीं बनाई जाती, हमारे सिंपल सब्सटेंसेस से होते हैं, जैसे ऑरम, फिर नेट्रम, फिर जो भी आप प्लांट रेमेडीज ले लो वो भी सिंपल सब्सटेंस होते कहे जाते हैं। तो उसकी जो रियल प्योर और रिलायबल एक्शन है उसकी कलेक्शन, यानी कि ट्रू मटेरिया मेडिकल। अ वॉल्यूम ऑफ बुक ऑफ नेचर, जिसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकृति की बुक, क्योंकि
कि जहां पर हेल्दी ऑर्गन में, हेल्दी ऑर्गेनिज्म में, यानी कि हेल्दी इंडिविजुअल में किस तरीके के ये पिक्यूलियर चेंजेस होते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग वहां पर होती है एज दे वेयर रिवील्ड टू द अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्वर के अटेंशन में ये सब कुछ बयान हुआ है। इन विच द लाइकनेस ऑफ द होम्योपैथिक डिजीज एलिमेंट्स ऑफ मैनी नेचुरल डिजीजेस टू बी हियर आफ्टर क्योर्ड बाई देम आर प्रेजेंट, जहां पर इसकी क्योरेटिव इफेक्ट है, यानी कि जो होम्योपैथिक डिजीजेज होते हैं, यानी कि जो सिमिलर ऐसे ही सिमिलर डिजीज हो नेचुरल नेचुरली, तो उसमें उसी की तरह की ये प्रूविंग होती है और उससे ये सब क्योर होता है। तो ये सब यहाँ पर मौजूद होता है। विच इन अ वर्ड कंटेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट्स, जिसको हम एक शब्द में कहे तो यहाँ पर मटेरिया मेडिका मीन्स जिसमें आर्टिफिशियल डिजीजेस की लिस्ट हो, दैट फर्निश फॉर द सिमिलर नेचुरल मॉर्बिड स्टेट्स दैट द ओनली ट्रू होम्योपैथिक, दैट इज टू से स्पेसिफिक थेरापेटिक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इफेक्टिंग दे सर्टेन एंड परमानेंट क्योर। तो ये जो आर्टिफिशियल मॉर्बिड हमें हम आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट्स होते, यानी कि दवाइयाँ, यानी कि उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर हमें क्या फर्निश करते, हमें क्या सहाय कर रही है, तो कि वो सहाय कर रही है सिमिलर नेचुरल डिजीजेस को अच्छा करने में, जो ओनली ट्रू होम्योपैथिक स्पेसिफिक थेरापेटिक इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे। अब स्पेसिफिक का मतलब ये नहीं है कि कोई थेरापेटिक की बात कर रहा है या फिर हनुमान सर बोल रहे हैं कि स्पेसिफिक देना है, वो स्पेसिफिक जो आप समझ रहे हैं कि रीनल स्टोन की स्पेसिफिक क्या है, एसिडिटी की स्पेसिफिक क्या है, या फिर स्किन इरप्शन की स्पेसिफिक क्या है, या फिर बॉयल्स की स्पेसिफिक दवाई, वार्ट्स की स्पेसिफिक दवाई, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्पेसिफिक दवाई पर्टिकुलर इंडिविजुअल की स्पेसिफिक दवाई, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की बात कर रहे हैं। तो ये सब दवाइयाँ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल थेरापेटिक इंस्ट्रूमेंट्स है। कोई यहाँ थेरापेटिक से ये भी ना ले ले कि थेरापेटिक की बात हनुमान सर करते हैं। हनुमान सर कभी भी ऐसी बातें नहीं करते कि भाई ये डिजीज हो तो ये दवाई दो, ऐसा कभी नहीं बोला। सिर्फ और सिर्फ थेरापेटिक का मतलब होता है जिससे हम ट्रीटमेंट कर सके। इंस्ट्रूमेंट्स फॉर इफेक्टिंग दे सर्टेन एंड परमानेंट क्योर, तो ये क्योर के लिए हम इसको यूज करने वाले हैं। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की टेस्टिंग जब ऐसी हो तो हमें एक प्योर ट्रू मटेरिया मेडिका मिलने वाला है। फुटनोट है, लेटरली इट हैज बीन द इफेक्ट हैबिट टू एंड ट्रस्ट द प्रूविंग ऑफ मेडिसिन टू अननोन पर्सन एट अ डिस्टेंस। तो फुटनोट लिखी है रिलायबल मोड्स ऑफ एक्शन के बारे में। तो सर ने ये समझा दिया कि बाद में एक ऐसी हैबिट हो जाएगी जिसमें प्रूविंग ऑफ मेडिसिन पर भरोसा करने लगेंगे, ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर प्रूव होगी जो अननोन है और कहीं दूर जाके बैठा है, वो वेर पेड फॉर देयर वर्क, कि जिसको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं प्रूविंग के लिए, एंड द फॉर्मेशन शो ऑब्टेंड वॉज प्रिंटेड, और इस तरीके से जो भी फॉर्मेशन हो रहा है उसको प्रिंट में लिया जा रहा है। बट बाय सो डूइंग, लेकिन ऐसा काम करके द वर्क विच इज ऑफ ऑल अदर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सब काम में से काफी इम्पोर्टेंट काम ऐसा है विच इज टू फॉर्म द बेसिस ऑफ द ओनली ट्रू हीलिंग आर्ट। ये एक ट्रू हीलिंग आर्ट की बेस बनने वाला है, फाउंडेशन बनने वाला है, एक ऐसा वर्क है एंड विच डिमांड्स द ग्रेटेस्ट मॉरल सर्टेनिटी एंड ट्रस्ट वर्थिनेस सीम्स टू मी। मुझे ऐसा दिखता है कि भाई इस काम में सबसे ज्यादा चौकसता, या फिर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं कि प्योरिटी चाहिए, सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्थिनेस चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ, मैं देखता हूँ। और ऐसे काम करने में, ऐसा ऐसा करने में जो ऐसा काम है, आई रिग्रेट टू से, मैं माफी चाहता हूँ कि टू बिकम डाउटफुल एंड अनसर्टेन इन इट्स रिजल्ट। ये अगर ऐसा काम होगा तो फिर ऐसा काम फिर डाउटफुल हो जाएगा, उसके रिजल्ट्स में अनसर्टेन हो जाएगा, एंड टू लूज ऑल वैल्यू, और ये सभी तरीके की वैल्यू को खत्म कर देगा।
तो आज के सेशन को हम यहाँ रखते हैं, कल फिर से आपके साथ जुड़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।